आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम में। दरअसल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री इस वक्त शिरकत कर रहे हैं और सभी दलों को एक साथ बिठाकर, उनके प्रतिनिधिमंडल को बिठाकर कोशिश की जाएगी कि पूरे सत्र में जिस तरीके से समन्वय बिठाया जा सके वो विधानसभा के भीतर, सदन के भीतर दिखाई दे। सीपी जोशी साहब जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, साफ तौर पर बीच में देख सकते हैं आप, इधर मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ विपक्ष के नेता होंगे और ये तमाम जो प्रतिनिधिमंडल है सभी पार्टियों का, वो इस वक्त बैठा हुआ है इस टेबल पर और उसके बाद चर्चा की जा रही कि सत्र का जो प्रारूप होगा किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, क्या क्या है जिनमें विपक्ष का सहयोग चाहिए, सरकार भी की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत इस बार दिखाई देगी, उन तमाम चीज़ों को लेकर इस वक्त ये बैठक चल रही है। और सर्वदलीय बैठक कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे राज्यपाल साहब से मिलने, उसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष से भी उन्होंने मुलाकात की थी और आज यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र के बुलाए जाने से पहले इस वक्त यह मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है और एक तरह से औपचारिकता यह होती है हालांकि, लेकिन इसमें समन्वय बिठाने की कोशिश की जाती है कि राज्य की बेहतरी के लिए सदन के भीतर चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे दूसरे दलों का सहयोग हो, किस तरीके से लेकर पटल पर तमाम जो बिल आते हैं, तमाम जो विधेयक पेश किए जाते हैं, उन सभी को किस तरीके से समन्वय बिठाकर आगे पारित करवाना है ताकि आम जनता का भला हो सके। तो ये तस्वीर इस वक्त जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं, ये सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है, सीपी जोशी साहब बीच में और इसके अलावा इधर मुख्यमंत्री, उधर विपक्ष के तमाम जो नेता हैं और सरकार के भी, हालांकि मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं वो सभी बैठे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सभी दलों के प्रतिनिधि इस वक्त बैठे हुए हैं, स्पीकर के चैम्बर में ये बैठक इस वक्त चल रही है और कल से होने वाले विधानसभा सत्र पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। शशिमोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। शशि, वाकई में तस्वीरों में देखा जा सकता है सभी लोग मौजूद हैं और कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि औपचारिक बैठक समन्वय बिठाने के लिए। देखिए, विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक करने की परंपरा है और इसी कड़ी में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आते ही बैठक शुरू हुई है। एक खास बात और बता दें कि इस बैठक के तुरंत बाद बीएसी की बैठक भी होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही इस बात को तय करती है कि सदन कितने दिन चलेगा, सदन में क्या क्या बिजनेस लिया जाएगा और किस रूपरेखा से वो संचालित होगा। सबसे अहम बात यह है कि संविधान दिवस कल मनाया गया है। कल चूंकि प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए थे उनके प्रमुखों के चुनाव और मतदान का दिन था, रिजल्ट भी आया, घोषणा भी हुई है, ऐसी सूरत में कल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता था। 2028 को विधानसभा का सत्र बुलाया और पहले दिन संविधान पर चर्चा होगी। तकरीबन 30 विधायक ऐसे हैं जो संविधान पर बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, किस तरह संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा में क्या अहमियत रही, राजस्थान का क्या योगदान रहा, इन सब मसलों पर बातचीत होगी और 29 को विधानसभा में रूटीन कामकाज लिया जाएगा। और कितने दिन ये सत्र चलेगा, कितने दिन के लिए सत्र को बुलाया जा रहा है, शशि अभी तक कंफर्म हो पाया है क्या? देखिए, अभी शुरुआती तौर पर यह तय हुआ है कि 2 दिन का सत्र होगा। अगर जरूरत पड़ी, सरकार के पास में और ज्यादा कामकाज लाया गया तो उस कामकाज को और उस सदन के सत्र को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अभी इसके साथ ही जो विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं, दर्शकगण आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, इस पर भी बातचीत होगी। जी, तो कोई महत्वपूर्ण विधेयक इस बार सरकार की तरफ से लक्ष्य तय किया गया है कि इनको पारित करवाना है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से लक्ष्य तो कोई पारित नहीं किया गया है, लेकिन एक डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन जरूर होना है जो 28 तारीख यानी कल ही होगा और विधानसभा में ये डिजिटल म्यूजियम बना है। और इसके साथ ही विधानसभा का डिजिटलाइजेशन भी पिछली बार हो चुका है, आपको ध्यान होगा जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला यहाँ आए थे, उन्होंने राजस्थान की विधानसभा को डिजिटल रूप में शुरू किया था। तो ये एक पहल थी और इसके आगे अब डिजिटल म्यूजियम की तरफ कदम बढ़ा रही है राजस्थान विधानसभा। इस मीटिंग में विपक्ष की तरफ से कौन कौन पहुंचा इस वक्त? देखिए संजय, सभी दलों के प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी कांग्रेस की तरफ से हैं। साथ ही बीजेपी की तरफ से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहां पर मौजूद हैं, बीटीपी के विधायक मौजूद हैं और आरएलपी के पुखराज गर्ग भी यहां पर मौजूद हैं, माकपा से बलवान पूनिया
जो विधायक हैं बादरा के वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने दलों के प्रतिनिधि के रूप में बात रखेंगे इस सर्वदलीय बैठक में और बीएसपी में भी शामिल। जी बिल्कुल सही शशि, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें साफ तौर पर, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष उप नेता जो है राजेंद्र सिंह राठौर, शांति धारीवाल और साथ में मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं। इसके अलावा बीच में खुद जो विधानसभा अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं और चर्चा की जा रही तमाम मसलों को लेकर कि आखिर दो दिन के सत्र में क्या क्या करना है आगे।